भारत तैयार कर रहा है नई मिसाइल, अब दुश्मनों की खैरियत नहीं। भारत बदल रहा है अपनी सबसे ज्यादा ताकतवर मिसाइल अग्नि 4। नई मिसाइल की खासियत देख उड़े होश। क्वाड द्वारा चीन को लेकर उठाया गया बड़ा कदम। दोस्तों, हर भारतवासी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, जिससे ये पता चल रहा है कि भारत एक और नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। और ये मिसाइल इतनी ज्यादा ताकतवर होने वाली है जिसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं, जो भारत के पास इस समय सबसे ज्यादा ताकतवर मिसाइल अग्नि 4 मौजूद है। भारत इस मिसाइल का सफल परीक्षण हो जाने के बाद अग्नि मिसाइल को हटाकर उसकी जगह इस मिसाइल को रख लेगा, तो इस चीज से आप इसकी ताकत का अंदाजा तो लगा ही चुके होंगे। दोस्तों, इसकी टेक्नोलॉजी काफी अपडेट वर्जन होने वाली है और इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है, चाहे कितना बड़ा भी देश हो। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के आगे उसको टिक पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी वो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी होने वाली है। ये सवाल तो आपके मन में भी आ रहा होगा कि आखिर इस मिसाइल के अंदर ऐसी कौन सी खासियत पाई जाती है कि भारत यहाँ पर अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल अग्नि 4 को हटा लेगा और उसकी जगह इस मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। तो चलिए पहले हम इस मिसाइल को जानते हैं और समझते हैं कि आखिर इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी खासियत पाई जाती है जिसकी वजह से ये अग्नि 4 को रिप्लेसमेंट कर रही है। दोस्तों, कल रात भारत की तरफ से अचानक ये खबर दी गई है कि बे ऑफ बंगाल में नॉर्टन वार्निंग जारी की गई है। और इस वार्निंग की खासियत ये थी कि ये काफी ज्यादा लंबी वार्निंग थे और इसकी टोटल रेंज जो थे वो 3300 किलोमीटर की थे। इस वार्निंग में ये भी बताया गया है यहाँ पर 6 या 7 तारीख को इसका परीक्षण किया जाने वाला है। दोस्तों, आपको हम बताते चले, यहाँ पर वार्निंग जारी की जाती है उस एरिया में ना ही कोई प्लेन उड़ान भर सकता है, ना ही कोई ड्रोन उड़ान भर सकता है। वो एरिया पूरी तरीके से परीक्षण के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। और जब से ये वार्निंग जारी की गई है तब से ही लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कौन से मिसाइल का परीक्षण हो रहा है, क्योंकि ये बात सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर भारत अब कौन से मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। और इसको लेकर एक्सपर्ट ने भी अनुमान लगाना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं उसको साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत काफी लंबे समय से ही एक खास तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहा है और इस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद इसको अग्नि 4 से रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये मिसाइल के बारे में बताया जा रहा है ये कनस्टर बेस मिसाइल होने वाली है, लेकिन हमारे पास जो अग्नि 4 मिसाइल मौजूद है वो कनस्टर बेस मिसाइल नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर आपको चीन की सीमा के ऊपर मिसाइल चलानी है, तो उसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। पहले आपको चीन की सीमा के करीब जाना पड़ेगा, फिर वहाँ गड्ढे बनाने पड़ेंगे, फिर उस गड्ढे में इस मिसाइल को रखना पड़ेगा और उसके बाद आप इसे फायर कर सकते हैं। और इतना काम करने में ही आपको काफी ज्यादा समय लग जाएगा। ये बात भारत भी अच्छे से जानता था। यहाँ पर अगर हमें दुश्मन को तुरंत नुकसान पहुँचाना हो तो अग्नि 4 के होते हुए हमें ऐसा करने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। इसलिए भारत एक नई मिसाइल पर काफी लंबे समय से काम कर रहा था, जिससे भारत के दुश्मन को तुरंत नुकसान पहुंचा सके। और भारत की मेहनत अब कहीं ना कहीं रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताते चले, यहाँ पर भारत की जो नई मिसाइल होने वाली है इसको चलाने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगता है। ये एक कनस्टर बेस मिसाइल होती है। इसको आपको चलाने के लिए सबसे पहले कनस्टर में रखना होता है और फिर इसको ट्रक के ऊपर लाद दिया जाता है। और इसका कई फायदा भी होता है। अगर मान लीजिए आपको इस मिसाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो आपको बड़ी आसानी से उसी गाड़ी की सहायता से लेकर जा सकते हैं और अपनी जगह के अनुसार इसे आसानी से चला भी सकते हैं। इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि यहाँ पर आप इस मिसाइल की लगातार लोकेशन बदल सकते हैं, जिससे कि दुश्मन को इसे ट्रैक करने में काफी ज्यादा दिक्कत पैदा होगी और कुल मिलाकर दुश्मन इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा। इसके अलावा इसके अंदर जो खासियत होती है वो ये होती है कि आप इसे तुरंत ही फायर कर सकते हैं। ये रेडी टू फायर होती है, इसलिए काफी ज्यादा एडवांस होती है। इसके लिए आपको गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी लगाई गई है इसकी वजह से ये अपना निशाना नहीं चूकती है और जाकर सीधे अपने निशाने को ही भेजती है। और इसके अंदर ऐसी खासियत भी पाई जाती है जिसे दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को इसे पकड़ पाना काफी मुश्किल होता है। दोस्तों, हम आपसे जिस मिसाइल के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, इस मिसाइल का नाम है अग्नि 4 प्राइम मिसाइल। और ये खबर मिल रही है कि इस समय भारत के पास जितने भी अग्नि 4 मिसाइल मौजूद है, भारत उसके सभी के प्राइम वेरिएंट तैयार कर रहा है। और आपको पता भी होगा, भारत ने अभी तक अग्नि 1, 2, 3 के प्राइम वर्जन को तैयार कर लिया है और भारत अब अग्नि 4 प्राइम वर्जन को तैयार कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर भारत ये बात अच्छे से जानता है कि अगर हम अपनी मिसाइल में क्वालिटी रखेंगे तो दुश्मन को हराना काफी आसान होगा। इसलिए हर थोड़े थोड़े समय पर भारत अपनी मिसाइल को अपग्रेड करता रहता है, क्योंकि भारत ये नहीं जानता है कि उसे कब किस मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ जाए। इसलिए भारत हमेशा तैयार रहता है अपने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। भारत यहाँ पर जिस तरीके का काम कर रहा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ क्वाड की बैठक से चीन में बौखलाहट है। ड्रैगन की चिंता यूं ही नहीं है, इसके पीछे वाजिब कारण भी है। चीन की आक्रामकता के चलते उसके पड़ोसी मुल्कों में जो एकजुटता है उससे चीन का चिंतित होना लाजमी है।
क्वाड संगठन से चीन की विस्तारवादी योजना पर विराम लग सकता है। चीन को घेरने के लिए भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में 13 देश एकजुट हुए हैं। भारत चीन सीमा विवाद के बीच क्वाड की इस बैठक ने चीन को चिंता में डाल दिया है। इसके साथ भारत और जापान के बढ़ती दोस्ती से चीनी हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आखिर क्वाड की इस बैठक से चीन क्यों चिंतित है? इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? भारत और जापान एक दूसरे के निकट क्यों आ रहे हैं? इसमें चीनी फैक्टर क्या है? इन तमाम मसलों पर क्या है एक्सपर्ट की राय, आइए जानते हैं। प्रोफेसर हर्ष बी पंत का कहना है, क्वाड देशों ने जो राजनीति तैयार की है वो दूरगामी है। क्वाड देशों ने चीन के राजनीतिक मोर्चे के साथ आर्थिक क्षेत्र में भी बड़ी घेरेबंदी की है। उन्होंने कहा कि अगर आप उसके फ्रेमवर्क में शामिल देशों पर नजर डालेंगे तो ये पाएंगे कि उसमें वो देश शामिल है जो चीन के विस्तारवादी नीति से प्रभावित है। ऐसे में क्वाड इन देशों के समक्ष एक बड़ा मंच प्रस्तुत करता है। इन देशों के साझा हितों ने क्वाड को और मजबूत किया है। इस फ्रेमवर्क में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम शामिल हैं। ये वो मुल्क हैं जो चीन के विस्तारवादी और आक्रामक नीति के चलते दुखी हैं। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग के लिए क्वाड के गठन के बाद इस क्षेत्र के दूसरे प्रमुख देशों को मिलाकर एक बड़ा आर्थिक सहयोग संगठन बनाने की शुरुआत जापान में हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस योजना में क्वाड के ही 3 देश नहीं बल्कि 13 देशों को शामिल किया गया है। ये क्वाड की बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि क्वाड को ये सफलता तब मिली है जब चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी आक्रामकता बढ़ा रहा है, इस क्षेत्र में उसकी दिलचस्पी बढ़ रही है। ऐसे क्वाड की ये रणनीति चीन की आक्रामकता पर विराम लगाने में कारगर हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसमें खास बात यह है कि इस रणनीति में अमेरिका प्रमुख है। उन्होंने कहा कि भारत समेत क्वाड से सभी देश हिंद प्रशांत क्षेत्र को समावेशी व सभी के लिए समान अवसर वाला क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि यही प्रतिबद्धता चीन के हितों के प्रतिकूल है। भारत सहित क्वाड देशों का मानना है कि आर्थिक सहयोग को बढ़ाना इस क्षेत्र में शांति, संपन्नता व अस्थायित्व के लिए जरूरी है। फ्रेमवर्क के बारे में कहा गया है, इसकी स्थापना के बाद सदस्य देश आर्थिक सहयोग बढ़ाने और एक साझा लक्ष्य हासिल करने के लिए बातचीत शुरू करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर भारत समेत सभी देश ये चाहते हैं कि मिलकर चीन की जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में दबदबा बनाने की सोच है उस पर काबू पाया जा सके, और इसी को लेकर यहाँ पर फैसला किया जाने वाला है। इस बात से आप कितना सहमत हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीद कर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।